नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल अवध फार्मलैंड्स में। जैसा कि मैंने आपको अपने घर का छोटा सा मिनी गार्डन जो कि काफी अस्त व्यस्त सा है मैंने पिछले एक साल पहले दिखाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने बताया था कि मैंने ये ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट का पौधा देख सकते हैं कि पूरा सबसे पुराना पौधा कितना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था। और इस तरह के मैंने और भी चार पांच लगाए थे जिसको मैंने कई बार स्प्लिट किया। ये देखिए, ये लगाया था, इसके सात आठ निकल आए थे, फिर इसमें लगा दिए थे, उसमें से निकाल के पांच छह, फिर इतने ज्यादा ज्यादा फैल चुके हैं कि मैंने फिर से आठ नौ गमले छोटे छोटे फिर तैयार कर दिए हैं और इस सीजन में ये भी तैयार हो जाएंगे। और अभी मेरा फार्म तैयार हो रहा है, तब तक मैं इन सबको, ये देखिए ये एक बन जाएगा पौधा, ये एक नया लग जाएगा, ये एक नया लग जाएगा, इस तरह मैं इनको ज्यादा ज्यादा फैला दूंगा। नई देखिए, एक ये आई है, एक ये आई है और एक ये छोटी सी निकल रही है, तो इस तरह अच्छी ग्रोथ देता जा रहा है पौधा। मैं इसको काफी मात्रा में बढ़ाने के बाद, जैसे ये देख रहे हैं आप, मैंने इनके नए लगा दिए हैं गमले, ये कुछ दिन में ये जड़ पकड़ लेंगे और ऊपर से ग्रो करना शुरू कर देंगे। इनको अब मैं अपने खेत में ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। और एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है जो मेरे लिए है, एटलीस्ट जो मैं इसके फल का इंतजार कर रहा था, फाइनली डेढ़ साल लगे रहने के बाद इस पौधे ने अपना पहला फल दिया है। ये देख सकते हैं, ये इस फल को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है जितना शायद ही एक्सप्लेन कर पाऊँ कितनी खुशी। और ये पौधा देखिए बहुत ही लंबा हो चुका है, ये देखिए इसमें नई, इसे जो भी कहा जा सकता है, एक नया इसमें डंडी से स्टेम से निकल रही है, इधर नई निकल रही है। और ये देख सकते हैं ये कितनी बड़ी है, ये यहाँ से नॉन स्टॉप जा रही है, यहाँ से ऐसे करके वहां तक देखा जाए तो ये इस जगह से ये नॉन स्टॉप उतनी लंबी जाके ऐसे जाके यहाँ तक आ रही है। शायद इतनी बड़ी इसकी डंडी आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। जो भी हो, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, मैं आपको आगे भी दिखाता रहूंगा। अब ये लाल रंग का, दो तरह के होते हैं ड्रैगन फ्रूट, एक लाल एक पिंक है, सॉरी एक पिंक एक व्हाइट, तो ये कौन से रंग का होने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा जब ये बड़ा हो जाएगा। और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको कुछ नए पौधे दिखाता हूँ जो लाया हूँ। ये है पिपली के पौधे, पिपली एक जड़ी बूटी है जो कि अक्सर खांसी वासी होने पे इसको फूट के शहद के साथ खाया जाता है। ये मेरे वो गुलाब के पौधे हैं जो इस सीजन में लगाए थे, हो गए। और ये देख सकते हैं आप, ये सर्पगंधा है, ये पौधे जो है सर्पगंधा के हैं। ये है ये पौधा है नींबू का, ये तुलसी है। और ये देखिए मेरी बांस के पौधे अच्छे हो आए हैं। ये मेरी हल्दी है, ये भी बांस है। और ये है काल मेघ, और ये है जेरेनियम, और ये हल्दी का पौधा है। ये अब इसमें छोटी छोटी हल्दी आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गलती से हल्दी कह गया, हींग का आप देख सकते हैं, ये जहां जहां टिप है, टिप में हींग की, हींग क्या है एक्चुअली, हींग होता है जो पौधों में आपने देखा होगा उससे जो गम होता है, ये देखिए जो आप टिप देख रहे हैं, टिप में जो लगा हुआ है ये हींग है। हालांकि ये पेड़ गमले में लगे होने के कारण ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया, लेकिन इस साल मैं इसे लगा दूंगा। मेरे गांव में जैसे मैंने बताया पहले भी कि चोरों के कारण, बकरी के कारण और जो दुश्मनी निभाते हैं लोग, उनके कारण कोई भी चीज लगाना वेस्ट है।
ये तुलसी का पौधा जो है ये वाला, ये है लेमन तुलसी। इसकी खुशबू बिल्कुल लेमन ग्रास जैसी है, महक इसकी। और दूसरी तुलसी दिखाता हूँ, ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता नहीं, सॉरी, तेज पत्ता। आज बहुत गलतियां हो रही हैं बोलने में। ये वाला जो है ये है कपूर तुलसी। देख सकते हैं ये दो पौधे कपूर तुलसी के हैं, और ये जो एक सूख गया और जो उधर अभी मैंने दिखाया था, वो दोनों लेमन तुलसी हैं। इनकी खुशबू बिल्कुल कपूर की तरह है। और ये मेरे घर का वर्मी कंपोस्ट बेड है। इसमें गोबर है, इसमें अंदर तक केचुए हैं। घर ही में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ रखता हूँ, फिर दिखाता हूँ अगली वीडियो में। ये मेरा कटहल का पौधा है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद।